दोस्तों Redmi News में आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप लोग को Redmi K20 Pro और OnePlus 7 Pro के बीच में एक फुल कंपैरिजन यहां पर देने वाला हूं टेक्नो रुए स्टाइल के अंदर। जी हां, आपने मेरे कंपैरिजन वीडियोस पर बहुत प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना, वीडियो को स्किप मत करना अगर आप सीरियस हैं इन दोनों फोन्स के लिए, और कंक्लूजन वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है। वैसे दोस्तों याद रखना है दोनों की प्राइस में बहुत ही फर्क है। Redmi K20 Pro हमें पता बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर आएगा, OnePlus 7 Pro एक बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन है। अब रीजन में कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि Xiaomi वाले ना बहुत ट्रॉल करते हैं OnePlus 7 Pro को, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते कि इसमें कितना दम है। अब यहां पर दोस्तों लॉन्च से पहले मैंने ये कंपैरिजन किया Redmi K20 Pro के, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर प्राइस अपडेट कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये किस प्राइस में ये लॉन्च होगा। शुरुआत करेंगे यहां पर इनकी प्राइस से, तो OnePlus 7 Pro आपको तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में मिलता है। 6128 से स्टार्ट होता है, 49,000 का है। उसके अलावा आपको 8 मिलता है, वो 52,999 का है। उसके अलावा आपको एक 12256 मिलता है, वो 57,999 का है। Redmi K20 Pro आपको दो अलग-अलग वेरिएंट्स में मिलेगा, 6128 और एक 8256। ऑब्वियसली हमें 25 से 30,000 के बीच में मिलेगा, तो प्राइस में आपको बहुत ही ज्यादा फर्क मिलता है। अभी सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन और इनके बिल्ड से। तो Redmi K20 Pro दोस्तों आपको 8.8 mm की थिकनेस पर मिलता है और 191 ग्राम्स पर मिलता है। OnePlus 7 Pro भी आपको 8.8 mm की थिकनेस पर मिलता है और ये आपको 206 ग्राम्स पर मिलता है। अगर साथ में दोनों को बाजू-बाजू लगाते हैं ना दोस्तों, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों में आपको 8.8 mm की थिकनेस मिलती है। और वेट की बात करें ना, तो यहां पर भी मुझे कोई इतना मेजर फर्क नहीं नजर आया, दोनों ही आपको उतने ही हल्के फुल्के यहां पर जो देखने को मिलते हैं। याद रखना है दोनों फ्लैगशिप फोन है, ग्लास बॉडी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी थिकनेस और वेट को यहां पर काफी अच्छा मेंटेन किया है। अब यहां पर डिजाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो OnePlus 7 Pro में आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक मिलता है, इस पे गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। पीछे आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर कोई ग्लॉसी एकदम बैक नहीं है, बल्कि एकदम डिसेंट आपको मैट फिनिशिंग उन्होंने जो दी है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और मेरे पास ये वाला जो ब्लू वाला जो कलर है ना, वो बहुत ही कमाल का लग रहा है। ग्रेडिएंट फिनिशिंग भी आपको यहां पर मिलती है, वैसे इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं और जो आलमंड वाला है ना, वो तो एकदम क्लासिक कलर है। उसके अलावा Redmi K20 Pro की बात करें तो इसमें आपको 3D कर्व्ड जो बैक मिलता है ग्लास वाला, इसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, यहां पर भी आपको ग्रेडिएंट फिनिशिंग मिलती है, लेकिन यहां पर तीन अलग अलग कलर्स मिलते हैं। मेरे पास ये देखेंगे, ये फ्लेम रेड है, जो आप देखेंगे तो इसको टिल्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा फायर जैसा इफेक्ट आता है। तो यहां पर भी दोस्तों बहुत ही कूल आपको जो वो डिजाइन देखने को मिलती है। अब डिजाइन के मामले, अगर किसी को डिसेंट चाहिए डिजाइन तो OnePlus 7 Pro है, लेकिन अगर थोड़ा आपको और अच्छा प्रीमियम डिजाइन चाहिए तो Redmi K20 Pro आप लोग के लिए सही रहेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर डिस्प्ले की, तो बहुत मजा आएगा। OnePlus 7 Pro में आपको 6.67 इंच की एक QHD+ की फ्लूइड AMOLED यहां पर डिस्प्ले मिलती है। यहां पर आपको लेफ्ट और राइट में कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। उसके अलावा दोस्तों आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, 93.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। साथ में आपको DCI-P3 कलर गैमेट भी मिलता है, DC डिमिंग भी आपको यहां पर मिलती है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है और साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में मिलता है। दोस्तों ये बहुत ही किलर है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। Redmi K20 Pro में आप लोगों को 6.39 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, फुल HD+ का आपको रेजोल्यूशन मिलता है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है और 91.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। अब यहां पर भी दोस्तों DCI-P3 कलर गैमेट है, DC डिमिंग यहां पर भी मिलता है और यहां पर भी आपको HDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहां पर ये 60Hz रिफ्रेश रेट है। ऑब्वियसली सारे फोन्स आजकल आपको इसी रिफ्रेश रेट के साथ में मिलता है, लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से Redmi K20 Pro ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन प्रीमियमनेस की बात करें तो भाई OnePlus 7 Pro का डिस्प्ले ना बहुत ही कमाल का है। अब परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो दोनों में आपको सेम स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर मिलता है, 2.84 GHz वाला है, 7nm पर है, Adreno 640 है। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर एंटीडू स्कोर देखते ना, एकदम पास है, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको इनके एंटीडू स्कोर में देखने को नहीं मिलता है। और दोनों जो मेरे पास वेरिएंट है ना, वो सेम ही है, इस तरीके का एंटीडू स्कोर जो वो निकल कर आया। अब दोनों में दोस्तों वैसे आपको कूलिंग सिस्टम मिलता है, तो जब भी आप गेम खेलते हैं तो आपको आपके फोन को वो कुछ हद तक ठंडा रखता है, तो कूलिंग सिस्टम गेम के टाइम पर दोनों ही फोन में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर यहां पर एकदम टाई हो जाता है, मैं यहां पर कोई क्लियर विनर नहीं निकाल सकता हूं। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे बैटरी की, उसके बाद हम बढ़ेंगे कैमरे पे क्योंकि वो लेंथी होगा। तो बैटरी की बात करें दोस्तों, तो दोनों में ही दोस्तों आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, सेम कैपेसिटी वाली बैटरी है। लेकिन OnePlus 7 Pro का फायदा ये कि इसमें आपको बॉक्स के अंदर 30W का वॉर्प चार्जर दिया गया है, जिससे आप अपने फोन को बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हैं। Redmi K20 Pro में आपको बॉक्स में 18W का फास्ट चार्जर दिया गया, हाउएवर यहां पर आपको 27W के आउटपुट का सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनली परचेज करना पड़ेगा, लेकिन आपको बॉक्स में 18W का चार्जर दिया। तो इस मामले में दोस्तों OnePlus 7 Pro के अंदर आपको बेटर चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, तो ये आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर कैमरे की, बहुत मजा आएगा, तो जरूर से आप इसको ध्यान से देखना। OnePlus 7 Pro में आपको 48+16+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलता है। जो प्राइमरी कैमरा है इसमें आपको Sony
ही IMX586 वाला सेंसर मिलता है, F1.6 का आपको एपर्चर मिलता है, यहां पर 4K 60fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और यहां पर आपको प्राइमरी कैमरे में OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और 960fps पे आप स्लो मोशन वीडियो भी शूट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर यहां पर देखने को मिलता है, और उसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो सेंसर है उसमें 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है, और उसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, मतलब आपको उसमें डुअल OIS का जो सपोर्ट मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है। Redmi K20 Pro में भी आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है 48+13+8 मेगापिक्सल का, जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है उसमें सोनी IMX586 वाला सेम सेंसर है, साथ में आपको F1.75 का अपर्चर है, 4K 60fps पे आप यहां पर भी शूट कर सकते हैं, और 4K 30fps पे यहां पर आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको लेजर ऑटो फोकस भी देखने को मिल जाता है, और यहां पर भी आपको 960fps पे स्लो मोशन भी देखने को मिलता है। आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और उसके अलावा आपको यहां पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो यहां पर सेंसर मिलता है 2x जूम के साथ में। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं कुछ सैंपल्स की बात करता हूं रियर कैमरे की, आप देख सकते हैं आपको बहुत ही कमाल की पिक्चर यहां पर देखने को मिल रही है। मैं ऑनेस्टली कहूं दोस्तों, जब मैंने पिक्चर क्लिक करने के बाद जब मैंने चेक किया तो मैं कोई क्लियर विनर नहीं निकाल सक रहा था, क्योंकि Redmi K20 Pro ने बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी। आप देख सकते हैं कुछ कुछ पिक्चर में आप देखेंगे Redmi K20 Pro आपको बेटर दिख रहा है, तो कुछ कुछ पिक्चर में आपको OnePlus 7 Pro बेटर दिख रहा है। हालांकि दोनों में आपको सेम ISP मिलता है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं है, सेम ISP से आपको सेम क्वालिटी की पिक्चर मिल रही है, सेम सेंसर मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। तो ये कुछ पिक्चर क्वालिटी है दोस्तों Redmi K20 Pro ने बहुत ही कमाल की टक्कर यहां पर दिया है। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे बहुत ही कमाल की पिक्चर आपको दोनों ही फोन में मिलती है, एज डिटेक्शन भी आपको दोनों ही फोन में वैसे काफी कमाल का देखने को मिलता है। नाइट शॉट्स देखते हैं दोस्तों, नाइट में भी आपको वैसे काफी कमाल की पिक्चर यहां पर मिलती है, दोनों में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड का सपोर्ट मिलता है। तो यार ऑनेस्टली कहूं दोस्तों, इस प्राइस में Redmi K20 Pro ने बहुत ही कमाल का काम किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश करी है कि OnePlus 7 Pro को उन्होंने बहुत ही कड़ी टक्कर दी है। उसके अलावा दोनों में अगर आप देखेंगे आपको स्टेबलाइजेशन बहुत ही कमाल का मिलता है, मैंने फुल HD में यहां पर वीडियो निकाला था, आप देख सकते हैं दोनों में वैसे आपको वैसे काफी कमाल की वीडियो क्वालिटी मिलती है, डिटेलिंग काफी अच्छी है, और आप देखेंगे स्टेबलाइजेशन भी आपको यहां पर दोनों ही फोन के वीडियो में वैसे काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको वैसे दोनों में 960fps पे स्लो मोशन वीडियो मिलता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के स्लो मोशन वीडियोस आप ले सकते हैं, यहां पर कुछ खास डिटेल में आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है। अब सेल्फी की बात करें दोस्तों, तो दोनों में वैसे आप लोग को पॉपअप सेल्फी मिलती है, और ये जो पॉपअप सेल्फी की जो स्पीड है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों की, और दोनों के अंदर आपको 300,000 बार जो इसकी लाइफ स्पैन है, मतलब दिन में अगर आप 150 सेल्फी भी लेते ना तो 5.5 साल तक आप इनके अंदर सेल्फी ले सकते हैं। अब OnePlus 7 Pro में आप लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है सोनी IMX471 सेंसर के साथ में, F2.0 का अपर्चर है, फुल HD वीडियो आप निकाल सकते हैं, और EIS का सपोर्ट मिलता है। Redmi K20 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल की AI वाली सेल्फी मिलती है, यहां पर भी आपको F2.0 का अपर्चर है, और फुल HD में आपको इधर भी EIS मिल जाता है। अब सेल्फी देखते हैं, अब सेल्फी देखेंगे दोस्तों दोनों की वैसे काफी बढ़िया निकल कर आई है, दोनों में आपको डिटेलिंग काफी अच्छी मिलती है, बोके शॉट्स पे अगर आप देखते हैं तो काफी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। मुझे थोड़ा सा यहां पर OnePlus 7 Pro बेटर लगा था सेल्फी के मामले में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर Redmi K20 Pro ने भी आपको वैसे काफी अच्छी पिक्चर्स यहां पर निकाल के दिया है। कैमरे की मैं कंक्लूजन की बात करता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपको दोनों में वैसे काफी बढ़िया पिक्चर्स मिल रही है। OnePlus 7 Pro प्रीमियम स्मार्टफोन है, कैमरे की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्राइस गैप देख सकते हैं कितना है, उसके बावजूद भी Redmi K20 Pro ने उससे बहुत बहुत अच्छी टक्कर दी है, जो इस मामले में मुझे Redmi K20 Pro वैसे काफी बढ़िया लगा। वैसे ओवरऑल दोनों का ही कैमरा आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों दोनों में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, दोनों में ही आपको सिर्फ 2 सिम कार्ड ही लगाने मिलती है। उसके अलावा LED नोटिफिकेशन लाइट की बात करें तो OnePlus 7 Pro में आपको नहीं मिलता है, Redmi K20 Pro में आपको ऊपर जो पॉपअप कैमरा है ना उसके रिंग के अंदर जो वो मिलता है एक ही कलर का रेड कलर का, जो हां आपको मिलता है तो आपका काम वहां पर निकल जाता है। उसके अलावा OnePlus 7 Pro में आप लोगों को टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक नहीं मिलता है, Redmi K20 Pro में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है और 3.5mm जैक भी मिलता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। उसके अलावा दोस्तों OnePlus 7 Pro में आप लोग को स्टीरियो स्पीकर मिलता है, नीचे भी एक स्पीकर आपको मिलता है, ऊपर ईयरपीस पर भी मिलता है, Redmi K20 Pro में आप लोग को सिर्फ सिंगल स्पीकर नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोनों में आपको Android 9 Pie मिलता है और दोनों में बहुत ही जल्दी आपको Android Q मिलेगा। OnePlus 7 Pro में आप लोग को ऑक्सीजन OS मिलता है, Redmi K20 Pro में आपको MIUI मिलता है, MIUI को आप ऑक्सीजन OS से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑक्सीजन OS बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही फास्ट है, अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है, MIUI को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा। उसके अलावा दोस्तों दोनों के अंदर आप लोग को वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स दोनों में आपको कैमरा टू API यानी कि गूगल कैमरे का सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो OnePlus 7 Pro में आप लोग को UFS 3.0 का सपोर्ट मिलता है और Redmi K20 Pro में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है। अगर आप स्कोर्स देखते ना तो इससे आपको क्लियर अंदाजा हो जाता है कि OnePlus 7 Pro का जो स्टोरेज है वो आपको काफी फास्ट देखने को मिल जाता है। रैम सपोर्ट की बात करें तो दोनों में ही वैसे आपको LPDDR4X के रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहां पर दोनों के अंदर आप लोगों को कोई ऑफिशियल IP रेटिंग्स
नहीं मिलती है, लेकिन OnePlus ने कहा कि हमारी खुद की है, चल रही है, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा दिया है जिससे आप उस पर थोड़ा सा पानी के छींटे उड़ाओ कुछ करो तो वो प्रोटेक्ट करेगा। Redmi K20 Pro में आप लोग को P2i कोटिंग मिलती है, ऑफिशियली उन्होंने बताया है, तो आपको इसमें ये चीज मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोनों के अंदर आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और ये दोनों ही 7th जनरेशन वाले, मतलब काफी फास्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और आपको पॉपअप सेल्फी मिलती है जिसके द्वारा आपको फेस अनलॉक भी मिलता है जो बहुत ही फास्ट है, इस मामले में कोई कॉम्पिटिशन में नहीं कर सकता हूँ। वैसे दोनों में आप लोग को एम्बिएंट डिस्प्ले यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर Redmi K20 Pro में आप लोग को मल्टी कलर मिलता है, अलग अलग कलर से आप सेट कर सकते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बेटर लगा है। उसके अलावा दोस्तों दोनों में आपको डुअल बैंड GPS का भी सपोर्ट मिलता है, ये भी काफी बड़ा फीचर है जो आपको दोनों में मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन 5 भी आपको दोनों में जो देखने को मिल जाता है। अब सारे वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो OnePlus 7 Pro में आप लोग को हेड के लिए 1.187 वॉट्स पर किलोग्राम की मिलती है, बॉडी के लिए 0.606 मिल रहा है, और Redmi K20 Pro पे 1.0 वॉट्स पर किलोग्राम हेड के लिए मिलता है और बॉडी के लिए 0.72 वॉट्स पर किलोग्राम का मिलता है। मतलब Redmi K20 Pro सार वैल्यू में थोड़ा कम है अगर आप उसको OnePlus 7 Pro से कंपेयर करते हैं। अब फाइनली दोस्तों मैं बात करता हूं कंक्लूजन की, अपनी ओपिनियन दे दूं कि दोनों में से मुझे कौन सा फोन सबसे अच्छा लगा है। मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि दोस्तों दोनों का जो प्राइस गैप है ना वो काफी ज्यादा है। OnePlus 7 Pro आप लोग को ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास मिलता है, Redmi K20 Pro आपको 25-30,000 के बीच में मिलेगा, तो ये प्राइस गैप की वजह से ना दोस्तों विनर घोषित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर सेम प्राइस में होते तो मैं विनर घोषित कर भी देता था। Redmi K20 Pro दोस्तों मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने इतनी मेहनत करी है, इतने फीचर्स दे के इतनी टक्कर दिया OnePlus 7 Pro को कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं कि आपको 25-30,000 के बीच में ये सारे फीचर्स आपको दे रहा है जो ऑलमोस्ट आपको OnePlus 7 Pro में देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर ऑनेस्टली कहूं प्राइस की वजह से मैं Redmi K20 Pro को विनर ठहराता हूं, मेरी ओपिनियन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो OnePlus 7 Pro आपको बहुत ही प्रीमियम मिलता है, क्योंकि इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपए तो निकालने ही पड़ते हैं। जब आप निकाल देंगे इतने पैसे तो ऑब्वियसली इतने फीचर्स की आप एक्सपेक्टेशन रखते ही है, लेकिन अगर आपकी बजट उतने ही है 25-30 के बीच में ना, तो ये आपको मायूस नहीं करेगा दोस्तों। ये भी एक बहुत ही कमाल का फोन है Redmi K20 Pro, जो आज मेरे हिसाब से इन दोनों में विनर निकलकर आ जाता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।